जहरीले बोल यही नहीं रुके हैं, बल्कि जी मीडिया के पास इस तरह के कुछ ऑडियो मैसेज है जिसमें जायरीन और मुसलमानों से अपील की जा रही है कि वे हिंदू दुकानदारों का आर्थिक रूप से बहिष्कार करें ताकि उनकी आर्थिक कमर को तोड़ा जा सके। आप भी सुनिए सरवर चिश्ती के जहर उगलने वाला ये बयान। आज अजमेर शरीफ में हिंदुओं ने, दरगाह बाजार और नला बाजार के हिंदुओं ने नूपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने KGN ग्रुप के ज़रिए से इस बात को तमाम जायरीन और तमाम गरीब नवाज के आशिकों से पूछा दो कि इन लोगों को तरसा दो, ना तो दरगाह बाज़ार से कोई शॉपिंग करे, ना कोई नला बाज़ार से शॉपिंग करे। ये ख्वाजा साहब की बारगाह में आने वाले जायरीनों के ज़रिए ही कमाते हैं और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोगों के सामने ही दुकानें बंद कर रहे हैं और एहतजाज जता रहा है और नूपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। तो जितने भी आशिक ख्वाजा हैं, इस बात को सस्ते में मत लो, इस बात को आगे से आगे हर जगह बोलो, हर ग्रुप में डालो, ताकि लोग इनसे एक रुपये का भी धंधा ना करें और ये तरस जाएँ। नूपुर शर्मा को लेकर भड़काऊ और विवादित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में अजमेर पुलिस ने खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें, सलमान चिश्ती से इस मामले में पुलिस पूछताछ में जुटी। आरोपी सलमान ने नूपुर शर्मा की हत्या करने वाले को इनाम देने की बात कहकर वीडियो में ये कहा था और बाद में नशे की हालत में विवादित टिप्पणियां दी गई, ये बात कही। आपको बता दें, संबंध में अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की टीमें बनाकर आरोपी सलमान चिश्ती के घर के साथ ही अलग अलग स्थानों पर दबिश देना शुरू किया। और इस दौरान अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, उपाधीक्षक संदीप सारस्वत, थाना प्रभारी दलबीर सिंह के साथ ही अन्य पुलिस जाप्ता और स्पेशल टीम के अधिकारी व जवान मौजूद रहे। गिरफ्तारी के बाद एडिशनल SP विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी सलमान से इस विषय में पूछताछ की जा रही है कि उसने ये वीडियो क्यों और कहां बनाया और इसके पीछे क्या मकसद था। सलमान चिश्ती अजमेर दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, जिस पर हत्या के साथ ही 13 से अधिक मुकदमे चलाए गए थे, जिसमें एक में ट्रायल अभी भी जारी है। उनके खादी मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है, बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहां बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी। नूपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्ति टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ YouTube पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुंचे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें।